हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करने के बारे में सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए, लॉकडाउन की वजह से सारी कंप्यूटर वाली आपकी काम नहीं ले रहे हैं, आपका एडमिशन रुक सकता है। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर अगर आपके पास होगा, कुछ नहीं होगा तो मोबाइल तो होगा या एंड्रॉयड, उससे भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं घर पर ही, वो भी बिना साइबर कैफे गए। तो चलिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से लिंक से आपको इसके पर्सनल वेबसाइट पे जाने होंगे। पर्सनल वेबसाइट पे जाएंगे तो ये पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यही इसका पर्सनल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। फिर आपको यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन फॉर सेशन 2020-21 फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, इस पर आपको क्लिक करना होगा जब पर्सनल वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो आपके सामने एक पेज खुलकर ओपन हो जाएगा, ये वाला फॉर्म देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे भुगतान की सारी चीज़ें मैं वीडियो बना ही चुका हूँ। भुगतान आप नेट बैंकिंग, NEFT, RTGS के द्वारा कर सकते हैं। OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, इसलिए मोबाइल नंबर होना जरूरी है। और फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या रखना जरूरी है अपने पास, तो हाई स्कूल का मार्कशीट और आधार कार्ड रख लीजिएगा, और एक मोबाइल जिस पर OTP आएगा सिम पे, तो वो रख लीजिएगा। और फीस आपको पता ही है, OBC और जनरल वालों के लिए 250 रुपये और ST SC वालों के लिए 150 रुपये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे, देखिए और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन आवेदन करें। जैसे ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो इसमें भुगतान के विकल्प दिए हैं और COVID-19 के सुरक्षा के नियम दिए हैं कुछ, ये सब जैसे फेस मास्क उपयोग करिए, अति आवश्यक कार्य होने पर घरों से बाहर निकलिए, ये सब चलिए ओके कर लीजिएगा इसको ना। ओके करने के बाद आपके पास फॉर्म फिलअप करने के लिए एक पेज खुलकर आ जाएगा जो कि इस प्रकार होंगे। एक मिनट में दिखा रहा हूँ। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने फिलअप करने के लिए आ जाएगा, जिसमें आपको देखिए एक तरफ तो आपका इंग्लिश में नाम पूछेगा, एक तरफ हिंदी में नाम पूछेगा, ये दोनों याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको आपके जो हाई स्कूल के मार्कशीट है उसके हिसाब से नाम डालना है, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी है आपका। हाई स्कूल के मार्कशीट पे जैसा लिखा है सेम एज वैसा ही लिखना है आपको। अगली बार क्या हुआ था कि बहुत से लड़कों ने गलत फॉर्म फिलअप करवा दिया था, तो आज तक उनका अभी तक सही नहीं हो पाया। तो ये गलती आप ना करिए कि आपको बार बार दौड़ना पड़े ITI कॉलेज फिर लखनऊ, ये सारे चक्कर लगाने से अच्छा है कि आप फॉर्म फिलअप जब कर रहे हैं तभी सही भरिए। अगर आप साइबर कैफे भी भरवा रहे होंगे तो वहाँ पे जब फॉर्म भर रहे हैं तो सामने रहकर देखिए, हाई स्कूल पे बार बार मिलाइए, क्या क्या मिलाना है आपको, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये मिलाना कंपलसरी है। और ठीक है, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भरने का तरीका बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी यहाँ भर रखा हूँ। तो सबसे पहले आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आवेदन जैसे बताया क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको अप्लीकेशन नेम में इंग्लिश में भरना होगा यहाँ पे, बिल्कुल जैसा आपका मार्कशीट में है हाई स्कूल का। फिर यहाँ हिंदी में डालिएगा, ठीक है। फिर आपका फादर नेम इंग्लिश में इस तरह डालिएगा, इधर पिता का नाम हिंदी में डालिएगा, ऐसे ही मदर नेम और माता का नाम हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में, जिधर इंग्लिश में लिखा है ना उधर इंग्लिश में और जिधर हिंदी में लिखा है उधर हिंदी में। फिर आप नीचे बढ़ेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिएगा। फिर आपका कैटेगरी पूछेगा, वो कैटेगरी डाल दीजिएगा। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है, उसी से आपका प्रमाणीकरण होगा, यानी कि उसको OTP भेजेगा और OTP वो जब सबमिट करेंगे तो आपका प्रमाणीकरण कर लेगा। तो यहाँ अपना नंबर डालिएगा और सेंड OTP करेंगे तो OTP आपके नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और वो OTP जैसे ही सेंड OTP करेंगे, यहाँ एक बॉक्स बन जाएगा जिसमें 6 डिजिट का आपका OTP जो आया मोबाइल पे वो डालना होगा। जैसे आप यहाँ पे डाल लेंगे तो आप यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीज का ऑप्शन है ना, तो इस पे वेरीफाई और प्रोसीज कर दीजिएगा OTP डालने के बाद। तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, जैसे ही वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे तो अगले पेज पे आ जाएंगे, ये वाला पेज आपके साथ, ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको चूज करना होगा जो ITI दो प्रवेश 2020 ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं, राजकीय के लिए भर रहे हैं या निजीकरण प्राइवेट के लिए भर रहे हैं, कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए भर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो भी आपको राजकीय लेना होगा तो राजकीय पे क्लिक करिएगा, प्राइवेट लेना होगा तो प्राइवेट पे क्लिक करिएगा, और अगर दोनों लेना होगा तो दोनों पे क्लिक करिएगा। मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि बोथ वाले पे क्लिक करिएगा, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, इस वाले पे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म खुलकर आ जाएगा। चलिए दिखाता हूँ आगे। देखिए अभी मैं राजकीय वाला फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं राजकीय वाले पे क्लिक किया था, राजकीय का फॉर्म फिलअप कर लिया हूँ।
अब मैं दिखा रहा हूँ कैसे कैसे भरना है। देखिए ये पहला स्टेप है जिसमें आपको फिर से यहाँ पे अपना नाम डालना होगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट, जैसे अपना खुद का नाम इंग्लिश में डालिएगा, फादर नेम यहाँ पे इंग्लिश में डालिएगा, यहाँ पे मदर नेम इंग्लिश में डालिएगा, हाई स्कूल की मार्कशीट पे देखकर बाई, देखिए एक भी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए ऐसा डालिएगा। फिर यहाँ अभ्यर्थी का नाम हिंदी में डालिएगा, पिता का नाम हिंदी में डालिएगा, माता का नाम हिंदी में डालिएगा। बस याद रखिए इंग्लिश वाला जो कॉलम है ना उसमें इंग्लिश में और हिंदी वाले में हिंदी में डालना है। फिर आपको भरना है यहाँ पे पति या पत्नी का नाम, तो होगा तो डालिएगा, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको, क्योंकि देखिए जिस पे आपको स्टार बनाना है ना रेड कलर का ये वो कंपलसरी बनना है। फिर आपका यहाँ पे जेंडर जो पूछ रहा है वो डालिएगा, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। फिर कैटेगरी यहाँ पे डाल लेंगे, कैटेगरी के बाद आपको यहाँ पे देखिए कॉलेज चूज करने के लिए देगा कि आप कहाँ कहाँ कॉलेज लेना चाहते हैं, तो मैं आगरा और अकोला लेना चाहता हूँ, तो ऐसे फिलअप कर लीजिएगा, मेरा नहीं है मैं फार्म भर के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे और उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस पूछेगा, तो यहाँ परमानेंट एड्रेस जो होगा आपका वो डालिएगा, और एड्रेस फॉर करस्पॉन्डिंग जो प्रेजेंट टाइम में रह रहे होंगे वो डालिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपका जो स्टेट से है उस स्टेट को सिलेक्ट करिएगा, जैसे यूपी से है तो यूपी सेलेक्ट करिएगा, और अदर स्टेट से है तो अदर स्टेट, यहाँ भी यूपी सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ बाराबंकी डाला हुआ हूँ, और डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी यहाँ भी डाल लीजिएगा। फिर जो पिन कोड होगा आपका ना, जो आपके एरिया का जो आपने एड्रेस दिया है परमानेंट, वहाँ का पिन कोड यहाँ पे डालिएगा, और इस साइड भी। तो खैर सेम एज पे जैसे ही टिक करेंगे ना परमानेंट एड्रेस में जो भी डाले हैं, जैसे आप पिन कोड डाले हैं, परमानेंट फ़ोन नंबर जो फ़ोन नंबर डाले हैं, वो सब इधर आपका फिर से आ जाएगा जैसे सेम एज पे क्लिक करेंगे। फिर आपको जैसे पूरा फॉर्म भर लेंगे तो सेव एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप पे चले जाइएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल कर आ जाएगा। देखिए अगला पेज ये वाला आ जाएगा, जो स्टेप वन तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब स्टेप टू में हम आ जाएंगे। स्टेप टू में आपको क्या देना है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर आपने आठवीं उत्तीर्ण किया तो आठवीं पे क्लिक कर लीजिएगा, दसवीं पे उत्तीर्ण कर लीजिएगा, दसवीं उत्तीर्ण हिंदी में अनिवार्य विषय के साथ किए हैं वो भी कर लीजिएगा, दसवीं उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषय के साथ है तो वो भी क्लिक कर लीजिएगा। आप दसवीं बाद एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बस इतने पे ही रोक दीजिएगा। अगर आपने बारहवीं किया है तो बारहवीं वाले पे भी क्लिक करिएगा, जैसे दसवीं उत्तीर्ण प्लस 10 प्लस 2 व्यवस्था के अंतर्गत VMA विज्ञान एवं गणित विषय के साथ अलग अलग न्यूनतम 40%, ठीक है। फिर इस पर क्लिक कर लीजिएगा, 12 से है तो नेक्स्ट वाले पे, ये वाला दूसरे नंबर पे 10 प्लस 2 व्यवस्था के अंतर्गत भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और गणित विषय के साथ पास हुए होंगे तो इस पर टिक करिएगा। तो देख लीजिएगा आपका जो भी होगा, बारहवीं पे से होंगे तो बारहवीं भी टिक कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे देखिए जो डिटेल देना है, यदि अभ्यर्थी ने CBSE बोर्ड में 10वीं की कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण की है तो CGPA कॉलम में CGPA भरें तथा उसके प्रतिशत निकालकर 100 पूर्णांक के साथ सापेक्ष प्रक्तान भरें। तो यहाँ पे मान लीजिए जूनियर हाई स्कूल पास किया है 8वीं, UP बोर्ड से पास किया है तो वो डालिएगा, कॉलेज का जो नाम है वो डालिएगा, स्कूल कॉलेज का नाम, और रोल नंबर क्या है वो डालना है आपको, और किस साल में आपने 8वीं पास किया है वो डालना है, और सब्जेक्ट कौन से थे, हिंदी मीडियम से थे कि इंग्लिश मीडियम से, वो डालना है। फिर यहाँ पे मार्क्स कितने थे, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो था, जैसे 600 का था 600, और उसमें कितना मार्क्स पाए थे, 300 पाए, तो 300 पाए थे तो आपका परसेंटेज कितना हो जाएगा, देखिए परसेंटेज 50% हो जाएगा, वो डाल लीजिएगा। फिर आपने हाई स्कूल किया है उसके बारे में डिटेल यहाँ डालना है, कौन से बोर्ड था हाई स्कूल का, हाई स्कूल का आपका नाम क्या था कॉलेज का, फिर यहाँ हाई स्कूल का रोल नंबर, और किस सन में आपने पास किया है हाई स्कूल, ठीक है, तो वो डालिएगा यहाँ पे, जैसे मैं 2020 का डाला हुआ हूँ। फिर यहाँ हिंदी है तो हिंदी डालिएगा, और मैक्सिमम मार्क कितने था 500 में, तो देखिए हाई स्कूल में 600 का था तो यहाँ 600 डालिएगा, और जो नंबर यहाँ प्राप्त किए होंगे वो डालिएगा, कितना परसेंट होगा उसको डाल दीजिएगा यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे देखिए डालना है नेम ऑफ प्रीवियस ITI, अगर आपने पिछली साल एडमिशन लिया है किसी ITI में फिर से इस बार ले रहे हैं तो उसका नाम डालिएगा, और यहाँ पे भी वही डालना है। हम तो कहेंगे इसको छोड़ दीजिए, कंपलसरी नहीं है ITI कोई कर, अगर आप ITI कर रहे होंगे तो फार्म कैसे भरते, फिर फार्म क्यों भरेंगे अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, चलिए इसको छोड़ दीजिएगा। फिर वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करिए, अगर आपके पास ये चयन होगा तो करिएगा, जैसे जैसे मान लीजिए कि राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं तो टिक कर लीजिएगा, राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र अविवाहित अथवा विधवा पुत्री,
तो वो डाल लीजिएगा, अगर आपके पापा या पापा वगैरह होंगे, कोई भी कर्मचारी होंगे राजकीय औद्योगिक परिषद यानी कि ITI में, तो उनका मतलब छूट मिलेगा कुछ। फिर राज्य व्यावसायिक परिषद में कार्यरत कर्मचारी आश्रित पुत्र अविवाहित ये डालना है, जो अगर आपके मम्मा पापा होंगे तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है, फोटोग्राफ अपलोड कर लीजिएगा यहाँ पे, और अभ्यर्थि का जो हस्ताक्षर होगा वो अपलोड कर लीजिएगा यहाँ पे। देखिए फोटोग्राफ जहाँ लिखा है ना, फोटोग्राफ में सिर्फ फोटोग्राफ ही अपलोड करिएगा अपना फोटो, और यहाँ अभ्यर्थि का हस्ताक्षर अपलोड करना है। यहाँ पे मैं फोटो कर दिया हूँ गलती से, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे हस्ताक्षर करिएगा। मैं ये बस फॉर्म आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये फॉर्म भर नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ कैसे भरना है। फिर आप पे यहाँ पे देखिए, जैसे ही अपलोड कर लेंगे तो यहाँ सेव एंड गो टू दी नेक्स्ट स्टेप पे चले जाइएगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, तीसरे स्टेप पे आ जाएंगे। तीसरे स्टेप में आपको देखिए ऊपर करिएगा तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, देखिए स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प, अगर आप गृह विकास खंड के कुछ हैं तो ये सब डाल लीजिएगा, एक से स्थानीय आरक्षण चयन कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर निर्देश में देना है, देखिए मैंने किसके लिए डाला था, गवर्नमेंट कॉलेज डाल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आप ITI की सूची तैयार कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ आप डाल रहे हैं, जो डाले हुए हैं, ठीक है, जो डाले हुए हैं ना सेंटर, अभी ऊपर जो डाले थे मैं यहाँ दिखाने लगेगा, तो उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे सेलेक्ट कर लेंगे तो इधर आपका चयनित यहाँ पे दिखाने लगा इस साइड, और यहाँ आपको दिखाने लगेगा, तो हो जाएगा ये। फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको इसमें से किसी को हटाना है तो यहाँ से हटा लीजिएगा व्यवसाय को, ट्रेड को, जैसे मैं फिटर और ड्राफ्टमैन के लिए दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से अगर व्यवसाय और चूज करना होगा तो इंक्लूड कर लीजिएगा, और अगर मान लीजिए आपको ड्राफ्टमैन हटाना है तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। फिर अगले स्टेप में जाएंगे, देखिए ये भी सेम वही है, फिर आपको यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, किस पे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो अगले पेज ओपन हो जाए। तीन स्टेप था, तीनों स्टेप जैसे ही कर लेंगे तो ये आपके पास अप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप किए हैं वो ऐसे आ जाएगा फिलअप होके, ठीक है। एक बार इसको फिर से मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा नाम, फादर नेम, ये सब चेक कर लीजिएगा, नाम, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, फादर नेम, पिता का नाम हिंदी में, और मदर नेम का हिंदी में, और डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिएगा, ठीक है, सही भरा है कि नहीं। तो ये फार्म आप देख लीजिएगा, आपका मतलब OBC है तो OBC, आपका जो एड्रेस भरे हैं वो एड्रेस सही है कि नहीं, और जो आप क्वालिफिकेशन भरे हुए हैं यहाँ पे दिए थे वो सब मिलान कर लीजिएगा सही है कि नहीं। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर सब सही होगा तो ठीक है, नहीं तो प्रीवियस जाकर फिर एडिट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी समय एडिट हो सकता है। फिर आप यहाँ पे सहमत पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे सहमत पे क्लिक करेंगे और अगर सारी चीज़ें सही होगी तो, और प्रोसीड टू पेमेंट पे चले जाइएगा। फिर आपको अगला पेज पेमेंट का आ जाएगा, जहाँ पे आपको पेमेंट करना, देखिए ये पेमेंट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ये पेमेंट आप स्टेट बैंक और NEFT या नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टेट बैंक से कर रहा हूँ। फिर प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे और पेमेंट का स्लिप का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, मैंने पेमेंट कर। इस प्रकार आपका ये ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे ही भर लेंगे अपने मोबाइल से भी। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जो एडमिशन लेने वाले हैं उनकी भी भलाई हो जाए, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।